सोनभद्र के घेरावल ब्लॉक में उम्भा गांव में सीएम योगी आदित्यनाथ के आगमन को लेकर तैयारियां जोर पर चल रही है। जहां सीएम योगी लखनऊ से हेलीकॉप्टर द्वारा सोनभद्र के उम्भा गांव पहुंचेंगे, जिसके चलते उम्भा गांव में हेलीपैड का निर्माण किया जा रहा है। साथ ही गांव में प्रधानमंत्री आवास और शौचालय का निर्माण कार्य भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। वहीं गांव में सरकारी अधिकारी और कर्मचारियों का पूरा अमला तैयारी में जुटा हुआ है। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शुक्रवार को सोनभद्र के उम्भा गांव जाएंगे। सीएम योगी यहां एक जनसभा को संबोधित करेंगे और 340 करोड़ लागत के 50 कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे। साथ ही योगी आदित्यनाथ 265 ग्रामीणों को मुख्यमंत्री आवास भी देंगे। वहीं सीएम योगी बीती 17 जुलाई को हुए नरसंहार कांड के पीड़ित समेत कुल 281 लोगों को जमीन का पट्टा सौंपेंगे। साथ ही उम्भा में हुए गोलीकांड में मारे और घायल हुए ग्रामीणों के परिवार वालों को 7.5 बीघे जमीन का पट्टा दिया जाएगा। तो योगी आदित्यनाथ सोनभद्र पहुंचेंगे, जहां आपको याद होगा कि गोलीकांड हुआ था जिसमें 11 लोगों की मौत हुई थी। नरसंहार जिसे कहा गया था सोनभद्र का, उसके जो पीड़ित लोग हैं और जो घायल उस दौरान हुए थे, उन लोगों से वो मुलाकात करेंगे और उनको ज़मीन सौंपेंगे। साफ तौर पर कई ऐसे लोग हैं जिनकी ज़मीनों का पट्टा नहीं हुआ था, उनके पट्टे सौंपे जाएंगे, क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहाँ पर खुद पहुँचने वाले हैं। तो उसको लेकर तैयारियाँ बहुत जोरों शोरों से शुरू कर दी गई है। जो आवास उन्हें मिलने हैं उनको लेकर तैयारियाँ शुरू कर दी गई है, क्योंकि लगातार ये प्रयास किया जा रहा है कि भारत को और उत्तर प्रदेश को, खासकर योगी आदित्यनाथ का प्रयास है कि खुले से शौच मुक्त किया जा सके। अशोक चौबे मेरे साथ संवाददाता जुड़ चुके इसी खबर पर। अशोक जी, क्या कुछ तैयारियां हैं योगी आदित्यनाथ के पहुंचने पर? अशोक जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? चलिए, हमारा संपर्क अभी अशोक जी से टूट गया है, दोबारा संपर्क साधने का प्रयास करेंगे। योगी आदित्यनाथ सोनभद्र पहुंचेंगे और साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ के पहुंचने को लेकर तैयारियों का जो जायजा है उसे तेज बढ़ा दिया गया है। तैयारियां शुरू कर दी गई हैं, बड़ी युद्ध स्तर पर उसकी तैयारियां करी जा रही हैं, क्योंकि आवास आवंटित होने और कहीं ना कहीं शौचालयों की भी निर्माण में तेजी ला दी गई है। क्योंकि योगी आदित्यनाथ वहां पहुंचेंगे तो निरीक्षण जरूर करेंगे कार्यों का, क्योंकि आदत में है योगी आदित्यनाथ के, जब भी वो कहीं जाते हैं तो वहां का निरीक्षण जरूर करते हैं, कार्यों की प्रगति को जरूर देखते हैं। अशोक चौबे हमारे साथ एक बार दोबारा जुड़ चुके हैं। अशोक जी, योगी आदित्यनाथ पहुंचने वाले हैं सोनभद्र, क्या कुछ तैयारियां प्रशासन की तरफ से करी जा रही हैं? जी, आपको बता दें कि सोनभद्र में अपने घुरावल के उम्भा गांव में दूसरी बार सीएम योगी का दौरा होने जा रहा है जी। जो सुबह अपना 9:25 पर लखनऊ से उड़ेंगे और 11 बजे के आसपास एक घंटा तक यहाँ रुकेंगे। यहाँ पे 340 करोड़ की योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे और यहाँ पे नरसंहार कांड के लोगों को, अपना 281 लोगों को 851 बीघे जमीन में कुछ पट्टे दिए जाएंगे, उसको लेकर यहाँ तैयारियां पूरी हो चुकी हैं और सीएम योगी के इंतजार में लोग लगाए हुए हैं। बिल्कुल अशोक जी, जिस प्रकार से कहा जा रहा है सोनभद्र में जो नरसंहार हुआ था, उनके पीड़ित परिवार से वो मिलेंगे, घायलों से भी मुलाकात करेंगे, उस दौरान जो लोग घायल हुए थे, क्या कुछ लग रहा है उनकी भी कुछ मांगे होंगी जो योगी आदित्यनाथ के सामने रखेंगे? बता दें कि उनकी मांगों का इसी में जमीन के लिए मांग किया जा रहा था बार बार, मुआवजा देने के बाद भी जमीन की अपना बार बार मांग करने के वजह से इन लोगों में अपना जो पट्टे की जमीन थी उसको गलत ढंग से दिए गया था कॉपरेटिव को, उसको अपना निरस्त करके और इन लोगों को अपना दिया जाएगा। बिल्कुल धन्यवाद आलोक जी मेरे साथ जुड़ने के लिए। कल भी लगातार आपसे इस खबर पर अपडेट लेते रहेंगे। साफ तौर पर योगी आदित्यनाथ क्योंकि सोनभद्र पहुंचेंगे, वहां जो नरसंहार हुआ था उनके पीड़ित परिवार से भी मिलेंगे, इसके साथ ही जो घायल उस दौरान हुए थे उनसे भी मुलाकात करेंगे, मुआवजा भी उन्हें दिया जाएगा और इसके साथ ही सभी जो निर्माण कार्य हैं उनका भी जायजा लेंगे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जनता दरबार का आयोजन किया, जहां सीएम योगी आदित्यनाथ गोरखनाथ मंदिर में फरियादियों से मिले। इस दौरान गोरखपुर मंडल के कई विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे। सीएम ने फरियादियों की समस्याओं को सुनने के बाद अधिकारियों को समस्याओं के निस्तारण के निर्देश दिए। साथ ही उन्होंने फरियादियों को आश्वस्त किया कि उनकी समस्याओं का शीघ्र ही समाधान किया जाएगा। हो गया जहां अमरोहा से पिलखुआ की ओर जा रही तेज रफ्तार कार हाईवे पर खड़े ट्रक से टकरा गई, जिसमें कार सवार 5 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक गंभीर रूप से घायल है जिसे अस्पताल में उसने दम तोड़ दिया। वहीं हादसे की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है, साथ ही शवों की शिनाख्त की जा रही है।
अभी तक इनके बारे में कुछ पता नहीं चल पाया है। आपको बता दें कि हादसा हाफिजपुर के सोना पेट्रोल पंप के पास हुआ है, जहां हाईवे 9 पर एक ट्रक खड़ा था। इस दौरान मुरादाबाद की तरफ से आ रही एक तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में जा घुसी, जिसमें कार सवार लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में कार के परखच जुड़ गए हैं। तो हापुड़ में आज दर्दनाक हादसा हुआ, जहां खड़े ट्रक में एक तेज रफ्तार गाड़ी जा घुसी, जिसकी वजह से उस पर कार में जो सवार 5 लोग थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। वहीं गाड़ी की स्थिति आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि कितना भयानक ये हादसा हुआ था। आपको बता दें कि मुरादाबाद की तरफ से गाड़ी आ रही थी, नेशनल हाईवे 9 की ये बात है, जहाँ पर ट्रक खड़ा था और मुरादाबाद की तरफ से तेज रफ्तार गाड़ी आ रही थी। अचानक से जो ड्राइवर था उसका कंट्रोल गाड़ी से खो गया और वो गाड़ी जो सीधा जाकर ट्रक के पीछे साइड में घुस गई, जिसकी वजह से जो कार में 5 लोग सवार थे उनकी मौके पर ही मौत हो गई है। फिलहाल मृतकों की पहचान नहीं हो पाई है। मृतकों की पहचान करने का पुलिस प्रयास करी, लगातार जो शव है उन्हें पोस्टमार्टम के लिए भी भेजा गया। उनके पास से जो कागज मिले हैं उनसे उनकी आइडेंटिफाई करने की कोशिश करी जा रही है, लेकिन साफ तौर पर बड़ा सड़क दुर्घटना आज हुई है, 5 लोगों की मौत हुई। हापुड़ की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। फिरोजाबाद के थाना फरीहा में होटल में खाना खाने के दौरान एम्बुलेंस पर प्राथमिक उपचार करने वाले कर्मचारी की ट्रैक्टर की चपेट में आने से मौत हो गई, जिससे आक्रोशित 108 एम्बुलेंस चालकों ने जिला अस्पताल पहुंचकर मृतक के परिजनों को 20 लाख रुपए मुआवजा देने की मांग की। इस दौरान एम्बुलेंस संचालकों ने 108 एम्बुलेंस संचालन व्यवस्था को ठप कर दिया। वहीं इस दौरान 108 एम्बुलेंस व्यवस्था ठप होने से मरीजों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि 108 में तैनात कर्मचारी होटल में बैठकर खाना खा रहा था, तभी ईंटों से भरा ट्रैक्टर असंतुलित होकर एम्बुलेंस कर्मी पर चढ़ गया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद 108 के जो कर्मचारी हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा आक्रोश आ गया। उन्होंने साफ तौर पर अपनी नाराजगी व्यक्त करी और कार्य को पूरी तरीके से ठप कर दिया। उनका साफ तौर पर कहना था कि जो मृतक है उसके परिवार को 20 लाख का मुआवजा दिया जाए, 20 लाख का जब मुआवजा दिया जाएगा उसके बाद ही जो सभी 108 के कर्मी हैं वो अपने कार्य पर वापस जाएंगे, लेकिन अगर 20 लाख का मुआवजा नहीं दिया जाता है तो वो कार्य को बाधित ही करके रखेंगे। वो अगर बात करी जाए 108 क्योंकि सेवा बंद कर रखी है उन्होंने, उसको सेवा नहीं सुचारू रूप से चलने दे रहे हैं, जिसकी वजह से जो मरीज है उन्हें काफ़ी समस्याओं का सामना करना। आपको बता दें कि जिस व्यक्ति की मृत्यु हुई है वो एक होटल पर बैठकर खाना खा रहा था, उसी दौरान एक ट्रैक्टर निकला, उसमें काफ़ी ईंटें भरे हुए थे, ईंटों से लोड था वो ट्रैक्टर और अनियंत्रित हो गया, जिसकी वजह से ईंटों के साथ वो ट्रैक्टर उस व्यक्ति के ऊपर पलट गया और उसके मौके पर ही मौत हो गई। 108 का क्योंकि कर्मचारी था तो उसकी टीम के जो मेंबर्स थे, 108 के जितने भी चालक थे, उन सभी ने इस पर नाराजगी व्यक्त करी और साफ तौर पर हॉस्पिटल से 20 लाख की उन्होंने मुआवजे की मांग करी उसके परिजनों को देने के लिए, परिवार वालों को देने के लिए। नहीं देखिए, ऐसा है, कल इनके कर्मचारी की डेथ हो गई थी, होटल पर खाना खा रहा था तो ट्रैक्टर के वजह से ट्रैक्टर से एक्सीडेंट हुआ और वो एक्सपायर हो गया। तो यहाँ अभी रात में ये लोग मिलने आए थे, लेकिन सुबह से ये सब लोग स्ट्राइक पे हैं और हम लोग भी आए, समझाया है और जीबी के कंपनी के आरएम एआरएम वगैरह सब अधिकारी भी आ गए, समझा रहे हैं इनको कि भाई जो भी इनको ड्यूज हैं जो मिलना है एक्सीडेंट्स के बाद वो सब इसको पूरा पैसा मिलेगा, लेकिन उसमें प्रोसेस में टाइम लगता है और उसके लिए हम लोग इनको समझा चुके हैं। अभी देखिए क्या निर्णय लेते हैं, लखनऊ से भी इनके कोई अधिकारी आ रहे हैं। इनकी क्या मांगे हैं? इनका तो ये है कि हमें पैसा तुरंत दिया जाए। लगातार हो रही लूट की वारदातों से एक बार फिर से महोबा में दहशत का माहौल है। ताजा मामला महोबा के अजरर थाना क्षेत्र का है, जहां बाइक सवार बेखौफ लुटेरों ने दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दे डाला और एक महिला से 1 लाख रुपए की लूट कर फरार हो गए। वही घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस बल के साथ एसपी मौके पर पहुंच गए और मामले की जांच पड़ताल कर लुटेरे की तलाश में जुट गए। आपको बता दें कि महिला एसबीआई शाखा जैतपुर से 1 लाख रुपए निकाल कर अपने पति के साथ बाइक से गांव जा रही थी, तभी बाइक सवार लुटेरों ने उससे नकदी लूट ली और मौके से भाग निकले, जिसके बाद पीड़ित महिला ने पुलिस को घटना की पूरी सूचना दी है। ने पन्नी में पैसा रखा हुआ था, तो पीछे से एक मोटरसाइकिल आई, उसमें 2 व्यक्ति सवार थे और जिन्होंने पन्नी में रखा हुआ पैसा ही छीन करके भाग गए हैं। और इस संदर्भ में 2 अज्ञात व्यक्तियों के विरुद्ध उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके अनावरण का प्रयास किया जा रहा है, शीघ्र ही बरामदगी का प्रयास किया जा रहा है। सर कितना पैसा लगभग? ये दोनों पति पत्नी का 49,000 और 49,000, कुल 98,000 रुपये इन्होंने विड्रॉल निकाला था जो है, और कुछ पैसे इनके
सीतापुर के एक विद्यालय में शिक्षिका ने एक छात्रा की इतनी बहरे में से पिटाई कर दी जिससे छात्रा बेहोश हो गई। मामला सीतापुर के गोंदलामऊ क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय बगछेरवा का है, जहां पांचवी कक्षा का पढ़ने वाला छात्र शिक्षिका के कहने पर पहाड़ा नहीं पढ़ पाया और बीच में अटक गया, जिसके चलते शिक्षिका ने छात्रा की बेरहमी से पिटाई कर दी और उससे उठक बैठक भी लगवाई। इस दौरान छात्रा बेहोश हो गई, उसके पैरों में सूजन आ गई, साथ ही वह ठीक से चल नहीं पा रही है। वहीं पीड़िता ने घर पहुँच कर परिजनों से अपना हाल बताया, जिसके बाद परिजन छात्रा को डॉक्टर के पास ले गए और उसका इलाज कराया। इस दौरान परिजनों ने शिक्षिका के खिलाफ संबंधित खंड शिक्षा अधिकारी से शिकायत कर कार्रवाई करने की मांग की है। आपको बता दें कि एक बच्ची अपने स्कूल गई थी, स्कूल में शिक्षिका का कुछ ऐसा रूप उसे देखने को मिला जिसके बाद वो सहम सी गई। उसका कारण ये था कि बच्ची से बोला गया कि आप पहाड़ा सुनाइए, टेबल सुनाइए। जब उसने उसको सुनाना शुरू करा तो बीच में बच्ची अटक गई, जिसके बाद टीचर जो थी वो इतनी ज़्यादा नाराज़ हो गई कि पहले तो उसने उस बच्ची को मारा, उसके बाद उसे उठक बैठक लगाने को कहा, जिसके बाद उठक बैठक लगाते समय बच्ची बेहोश होकर गिर गई। और जब वो उसको होश मिलाया गया, उसको चलाने का प्रयास किया गया, तो उसके पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन आ चुकी थी कि वो चल नहीं पा रही थी। जिसके बाद जब वो घर पहुंची तो उसने अपने परिजनों को पूरे मामले के बारे में बताया, जिसके बाद परिजन पहले बच्ची को हॉस्पिटल लेके गए, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुंचे और जो महिला शिक्षक थी उनकी शिकायत करी। साफ तौर पर उन्होंने अपनी न्याय की गुहार लगाई। उन्होंने कहा कि इस तरीके का व्यवहार बच्चों के साथ अगर कोई शिक्षिका करती है तो उसे कार्यरत नहीं रहना चाहिए। इस प्रकार की मांग उन्होंने करी। उन्होंने साफ तौर पर शिक्षिका के ऊपर कार्यवाही की मांग परिजनों की तरफ से करी गई है। तो सीतापुर से शिक्षिका की बेरहमी से पिटाई करने का मामला निकलकर सामने आया है, जहां पहाड़ा ना सुना पाने के कारण एक बच्ची को इतना बुरी तरीके से पीटा गया कि वो चलने में अभी असक्षम हो रखी है। उसके इतनी ज़्यादा सूजन पैरों में आ रखी है कि वो चल नहीं पा रही है, जिसके बाद परिजनों को मामला पता चला तो परिजन पहले बच्ची को डॉक्टर के पास लेके गए, उसका इलाज करवाया, उसके बाद खंड शिक्षा अधिकारी के पास पहुँचे और न्याय की गुहार लगाई है। साफ तौर पर कई बार आपने ऐसी तस्वीरें देखी हैं जहाँ टीचर्स अपने बल का प्रयोग बच्चों के ऊपर इतना ज़्यादा कर देती हैं कि बच्चे कहीं ना कहीं से चोटिल हो जाते हैं। कुछ इसी प्रकार की घटना सीतापुर से निकलकर सामने आई है, जहाँ केवल पहाड़ा सुनाने को कहा गया था, बच्ची ने पहाड़ा सुनाना शुरू करा लेकिन कहीं कहीं पर वो अटक गई, जिसके बाद टीचर इतना ज़्यादा नाराज़ हो गई कि उसने पहले बच्ची को पीटा और उसके बाद उससे उठक बैठक लगवाई। और उठक बैठक लगवाते समय जब बच्ची बेहोश हो गई तो उसके होश में उसको लाया गया, और जब होश में लाया गया और चलने को कहा गया तो बच्ची चल नहीं पाई क्योंकि उसके पैरों में इतनी ज़्यादा सूजन आ चुकी थी कि वो चल नहीं पा रही थी। जिसके बाद उसे उसके घर पहुँचवाया गया और घर पहुँचने के बाद बच्ची ने अपने माँ बाप को अपनी समस्या को बताया और बताया कि किस तरीके से पहाड़ा सुनाने के दौरान टीचर ने उसे इतनी बुरी तरीके से पीटा है। कासगंज में वन अधिकारी द्वारा किसानों की लकड़ी जब्त करने के मामले में भारतीय किसान यूनियन भानु ने भ्रष्टाचारी अधिकारियों के खिलाफ जुलूस निकालकर जोरदार प्रदर्शन किया और बड़ी संख्या में शामिल होकर वन विभाग का घेराव किया और वन अधिकारियों और कर्मचारियों पर लकड़ी लूट का आरोप लगाते हुए धरना दिया। साथ ही भानु ने अपनी शक्ति का एहसास दिलाते हुए वन विभाग के कर्मचारियों को भ्रष्टाचार मुक्त होकर कार्य करने की चेतावनी भी दी। वहीं इस दौरान जुलूस के साथ पुलिस बल भी मौके पर पहुंच गया। इस दौरान पहुंचे जिला वन अधिकारी ने मामले की जांच कर वनकर्मियों के खिलाफ कार्रवाई का भरोसा देकर मामले को शांत कराया। भानु के मंडल अध्यक्ष कुलदीप पांडे ने बताया कि वन विभाग के अधिकारी और कर्मचारी द्वारा किसानों को बेवजह शोषण और उत्पीड़न किया जाता है और अगर उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं की गई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब नाउ। दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों पर इंडिया वॉच की पैनी नजर, अब हर खबर आपके मोबाइल पर। सब्सक्राइब।